नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजमगढ़ व रामपुर के उपचुनाव में हुई जीत के बाद भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ कर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में लागू प्रदेश सरकार की योजनाओं पर जागरूकता के विषय पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश की अध्यक्षता में कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, शासन द्वारा चल रही योजनाओं का कराया जाए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार, ताकि लोगों को मिल सके आसानी से योजनाओं का लाभ। चाकू से मारकर हत्या करने वाले एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। उपचुनाव में दोनों सीट भाजपा प्रत्याशी के द्वारा जीतने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आजमगढ़ व रामपुर की जनता की है यह जीत। सभी कार्यकर्ताओं सहित शीर्ष नेतृत्व को दी बधाई। दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त शिव शंकर सोनी को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भाजपा युवा मोर्चा महानगर व जिला इकाई की संयुक्त बैठक राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा, 25 जून को भाजपा मना रही है काला दिवस, देश में जबरदस्ती लगाया गया था आपातकाल। और देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक मन कबीर का हुआ लोकार्पण। कहा, यह पुस्तक लोगों के मन को बदलने का करेगी काम। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आजमगढ़ व रामपुर के चुनाव में हुई जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व पटाखे भी फोड़े। कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी, जिसके संबंध में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि भाजपा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। भाजपा ने उपचुनाव में सपा के सबसे बड़े नेताओं की सीट को जीता है। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के कार्यों को उत्तर प्रदेश की जनता सराह रही है, इसीलिए आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है, जिसके लिए आजमगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं व दोनों लोकसभा की जनता को बधाई देता हूं, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर विश्वास के ऊपर विश्वास करके उनके पक्ष में वोट किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, इंद्रमणि उपाध्याय, देवेश श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, पार्षद रामलवट निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय हुई है और हमारे रामपुर और आजमगढ़ की दोनों विधानसभा लोकसभा की सीटें हम लोगों ने बहुमत से जीत प्राप्त की है। आज जितना भारतीय जनता पार्टी को खुशी है इतना शायद कभी खुशी नहीं रही। जो सीट हम लोग पिछले विधानसभा में आजमगढ़ में दसों सीटें विधानसभा की हम लोगों ने लूज किया था, आज यह विजय प्राप्त करके बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है और यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विजय है। हम सब परम पूज्य योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये जीत है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। उनके बल पर जो है आज भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं, उन्होंने जी जान से पूरी मेहनत किया और हम लोग आज दोनों सीटें प्राप्त किए। आज हम अपने शीर्ष नेताओं को और अपने महानगर और क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश जी समेत सभी अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरह लगन से हमारे सभी कार्यकर्ता आगे तन मन धन से कार्य करेंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम सभी रामपुर और आजमगढ़ की सीट जो समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी के जो दो सबसे बड़े नेता एक तो आजम खान और अखिलेश यादव की सीट को आज हम सभी ने छीना है उनसे। आज मोदी जी और योगी जी के कामों को उत्तर प्रदेश की जनता सराह रही है, इसीलिए आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज की इस जीत की पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय 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 निश्चित ही दोनों सीटें आजमगढ़ का सीट ये अखिलेश यादव की सीट और रामपुर की सीट आजम खान की सीट, ये दोनों बड़े नेता समाजवादी पार्टी के जो आप लोग कहते हैं कि दोनों सबसे बड़े नेता थे उनकी सीट को आज हम सभी छीनने का काम किए हैं। योगी जी के कामों की बदौलत और मोदी जी के कामों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी का परचम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जीत की बहुत बहुत बधाई। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू सरकार की योजनाओं की जागरूकता विषय पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं, उन योजनाओं के संबंध में छात्र व छात्राओं को विस्तृत रूप से अवगत कराया जाए जिससे वे जागरूक हो सके। हर जरूरतमंद के हित में शासकीय योजनाएं संचालित है, आवश्यकता है उन योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि छात्र हित में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित बुकलेट सभी प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराएं ताकि वे उसके प्रति छात्र व छात्राओं को जागरूक करें। उन्होंने उन विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट बोर्ड परीक्षा परिणाम प्राप्त करने हेतु किए जा रहे अभिनव प्रयोगों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षक छात्रों को शासन द्वारा शिक्षा क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त कर आगामी पढ़ाई को और अधिक सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु प्रेरित करें और शासकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी हेतु छात्र व छात्राओं को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं में मुख्य रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मिशन शक्ति इंस्पायर्ड अवार्ड योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रोजेक्ट अलंकार तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि के संबंध में छात्र व छात्राओं को समुचित जानकारी दी जाए ताकि सरकार की योजनाओं से छात्र व छात्राओं व अभिभावक के मध्य जागरूकता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत बालिकाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता 6 चरणों में प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया,
जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह सहित सभी विद्यालय के प्रधान आचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, उन योजनाओं को किस प्रकार से विद्यार्थियों के हित में वो क्रियान्वित कर सकते हैं, इसके लिए सोच सके, आज उसी के क्रम में हम सभी का सौभाग्य है आज की इस महनीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और विशेष अतिथि के रूप में जो सचमुच आज गुरु नानक देव जी का वह भाव चरितार्थ यहाँ हो रहा है, गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि तुम एक जगह मत ठहरो, जीवन में रहते रहना है, एक जगह नहीं ठहरना है। एक यशस्वी मुख्य विकास अधिकारी के रूप में आदरणीय जो अपने सीटों से आनंद देव जी की वो पंक्तियाँ चरितार्थ हो रही हैं कि बहते रहो समाज जीवन के लिए, आज ही पता चला है कि वो अनेक स्थानांतरित हो गए हैं। उनकी जो कृतियाँ हैं मंडल के हम सबके मुखिया और सचमुच प्रदेश में एक सुयोग्य संयुक्त शिक्षा निदेशक के रूप में जिनकी पहचान है, मैं निवेदन करूँगा अपने जीवी साहब से उसको मनसा वाचा कपड़ा अपने दायित्व का बोध करें और उससे जय हिंद। निश्चित रूप से जो कुछ भी यहाँ मिल रहा है हमारी गति और तेज होगी और लक्ष्य की ओर हम सब समर्पित होंगे। उद्देश्य आपका भी सेम है, हमारा भी सेम है, एक एसेट तैयार आप कर रहे हैं जो सोसाइटी में भविष्य में बहुत काम आएगा। बेसिकली एजुकेशन का तो उद्देश्य यही है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट एन एसेट ऑफ द सोसाइटी, जो आगे चल के समाज में निर्माण काम है, तो एक नया समाज वो तैयार करके देगा। बट वो एसेट जो आप तैयार कर रहे हो उनको कभी ना कभी किसी प्रकार की समस्या होती है, छात्रवृत्ति की समस्या होती है, कोई स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज बेसिकली इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग आपको बेसिकली उस स्कीम्स के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे आपके यहाँ स्कूल कॉलेजेस में हैं उनको ये सारी स्कीम्स पता हो, आपके माध्यम से पता हो। इनफैक्ट इसके बाद हम लोग एक और कोई वर्कशॉप प्लान करेंगे आपने कोर्स ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि हर स्कूल्स में हर कॉलेज में कम से कम अराउंड 500 1000 300 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये लोग भी छुट्टी में अपने गांव जाते हैं तो दे कैन बी अ ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर दिस स्कीम, क्योंकि सब कोई ना कोई गांव से रिलेटेड है और उनको अगर जानकारी होगी तो वो गांव में भी जब भी छुट्टी पे जाएंगे, अच्छा बाबा आपका ये नहीं है ये स्कीम है, जाइए सीएससी सेंटर पे अप्लाई कर लीजिए। तो बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है आपको एक स्मार्ट आदमी तैयार करना है जो पढ़ा लिखा हो, जो और वेरी कॉन्फिडेंट हो, जिसको सब तरह की जानकारी हो, वो जिस फील्ड में जाए उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे। हम आपको एक सिंपल इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। मैं CDO गाजियाबाद था, तो हमारे यहाँ वो एक स्कीम आया हुआ था रिलेटेड टू डे, तो हम लोग सरेंडर कर रहे थे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था IIT का, कैनेडा में पढ़ रहा था, कैनेडा में काम कर रहा था, उसके घर वालों ने यही कहा कि बेटा यही कुछ कर। तो वो एक दिन हमारे ऑफिस में आया, हम लोग अराउंड आधे एक घंटा डिस्कशन किए, उन्होंने एक प्लान पॉली हाउसेज है, आप डेली स्कीम्स आप ले सकते हैं, वो सारे स्कीम समझा गया। उसने एक डेयरी खोला, वो बराबर आता था, बोलता था सर एक बार चलिए बहुत अच्छा डेयरी हमने बनाया है, बट ठीक है उतना टाइम व्यस्ता में मतलब कभी गया नहीं, मतलब सारे वी सपोर्टेड फ्रॉम ऑल एंगल, बट कभी मैं खुद नहीं जा पाया। तो हमारे कमिश्नर साहब ने एक बार फोन करके कहा कि यार तुम्हारे यहाँ इतना डेयरी है, विल कम एंड सी। ठीक है, तो मैं भी पता कर रहा था कौन सा फेमस इतना डेयरी हमारे यहाँ, तो पता चला ये उन्हीं का डेयरी है, गिर गाय का डेयरी था एंड पूरी NCR में वो बेस्ट मिल्क सप्लायर था। मतलब जो मिल्क की प्राइसिंग थी उसको उसने साइंटिफिक वे में लोगों को एक्सप्लेन किया, यदि A2 कैटेगरी का मिल्क है जो उसमें डायबिटीज नहीं होता है, वो 100 से 150 रुपया लीटर वो मार्केट में 1 लीटर का बॉटल में सप्लाई कर रहा था एंड बहुत प्रॉस्पेक्ट कम से कम 300-400 का है। तो बेसिकली आपने पढ़ा के उसको नौकरी नहीं दिया, आपने एक स्मार्ट आदमी तैयार किया पढ़ा के
जो डेयरी में भी गया, एग्रीकल्चर में गया, तो वो बेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का यही मोटिव है, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हम लोगों को दे, उसको सभी तरह का स्कीम्स के बारे में पता हो, सभी तरह की जानकारी हो, एंड आपसे बेटर उनको कोई तैयार नहीं कर सकता। आज बेसिकली सभी प्रधानाचार्यों के साथ हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था। बेसिकली जितने भी बच्चों से रिलेटेड स्कीम है इसकी जानकारी दी गई, और इनसे भी यही अपेक्षा किया गया है कि जो गुड प्रैक्टिसेस आपस में कर रहे हैं शेयर करें, और जो सरकार की योजनाएं हैं, एक्चुअली में सरकार की योजना हर लेवल के लिए, तो जानकारी की कुछ अभाव है, कुछ जागरूकता का अभाव है। तो आज बेसिकली इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोगों ने यही अनुरोध किया है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, इसकी जानकारी ये बच्चों को दें, ताकि बच्चे भी जब गांव में जाएं, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको भी बताएं सरकार की क्या योजना है। बांसगांव पुलिस ने चाकू से मारकर हत्या करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को ग्राम अंडरौली से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रविशंकर यादव पुत्र नंदलाल यादव ग्राम अंडरौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत था, को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, निरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक अरशद खां, कांस्टेबल मोहित सिंह, देवेश कुमार वर्मा शामिल रहे। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने आजमगढ़ व रामपुर के उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत पर शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि उपचुनाव में आजमगढ़ व रामपुर में भाजपा की शानदार जीत हुई है, जिसके लिए सबसे पहले आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, जिससे सपा का गढ़ माने जाने वाला आजमगढ़ व रामपुर में कमल खिल सका है। यह जीत आजमगढ़ के कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों की जीत है, जिन्होंने दिन रात भाजपा के लिए घर घर जाकर वोट मांगा। उन्होंने कहा, दोनों सीट की जीत पर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, अभी तो को प्रारंभिक है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ जीतेगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ अब की बार वहाँ से सांसद चुन करके संसद में जाएंगे। रामपुर में भी चल रहा है जहाँ से आजम खान, रामपुर शहर की तरह जरूर वो समाजवादी पार्टी बड़ी है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में बढ़त भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो ऐसी स्थिति ये लग रही है कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजमगढ़ व रामपुर के उपचुनाव में हुई जीत के बाद भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ कर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिला कर दी शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में लागू प्रदेश सरकार की योजनाओं पर जागरूकता के विषय पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश की अध्यक्षता में कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, शासन द्वारा चल रही योजनाओं का कराया जाए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार, ताकि लोगों को मिल सके आसानी से योजनाओं का लाभ। चाकू से मारकर हत्या करने वाले एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। उपचुनाव में दोनों सीट भाजपा प्रत्याशी के द्वारा जीतने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आजमगढ़ व रामपुर की जनता की है यह जीत, सभी कार्यकर्ताओं सहित शीर्ष नेतृत्व को दी बधाई। दुष्कर्म
दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त शिव शंकर सोनी को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भाजपा युवा मोर्चा महानगर व जिला इकाई की संयुक्त बैठक राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा 25 जून को भाजपा मना रही है काला दिवस, देश में जबरदस्ती लगाया गया था आपातकाल। और देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक मन कबीर का हुआ लोकार्पण। कहा यह पुस्तक लोगों के मन को बदलने का करेगी काम। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रेलवे स्टेशन वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शिव शंकर सोनी पुत्र बैद्यनाथ प्रसाद सोनी मूलता ग्राम बनकटवा पोस्ट बगहा थाना बगहा जनपद पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार हालपता महादेव झारखंडी भैरवपुर चौराहा वीर बहादुरपुरम थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पति के साथ काम करने वाले शिव शंकर सोनी से जान पहचान होने के बाद वादिनी अपने पति को छोड़कर शिव शंकर सोनी के साथ रहने लगी। दोनों से एक बच्चा भी हुआ, परंतु उसके बाद भी अभियुक्त वादिनी द्वारा शादी करने को कहने पर आनाकानी करता रहा। बाद में शिव शंकर सोनी किसी दूसरी लड़की से सगाई कर लिया, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वादिनी का पति जयसिंह मेरे साथ
IRCTC गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर काम करता था। मोबाइल के माध्यम से हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। हम दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं। इसी बीच वादनी का पति जय सिंह विदेश चला गया। हम लोगों के बीच मिलना जुलना शुरू हो गया। बाद में हम लोग साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगे। हम लोगों का एक लड़का भी है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांस्टेबल वैभव श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव शामिल रहे। भाजपा युवा मोर्चा महानगर व जिला इकाई की संयुक्त बैठक राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि पार्टी का दायित्व है कि लोगों को अच्छे और बुरे कार्यों से अवगत कराएं। देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय न्यायपालिका ने निर्णय लिया था कि उनका चुनाव अवैध है, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करके देश में आपातकाल लगाया था। लोगों का जबरदस्ती नसबंदी करवाया जाता था, लोगों के मकान गिराए गए और प्रेस की आजादी खत्म की गई, प्रेस की बिजली काट दी गई, जिसको याद दिलाने के लिए युवा मोर्चा 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगा था। इसकी वजह से भारत के लोगों पर तंत्र हावी हो गया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावना पर कुठार घात था। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यम मिश्रा, उपाध्यक्ष संजू यादव, कर्मवीर सिंह, आशीष ओझा, महामंत्री रजत गुप्ता, हर्ष श्रीवास्तव, शिवम राय, आकाश श्रीवास्तव, राहुल गिरी, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित पांडे, विकास पांडे, राहुल राणा, शशांक द्विवेदी, अनुज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और स्वर्गीय सुपांजलि अर्पित करें। तिवारी जी का स्वागत करें। महानगर के महामंत्री हर्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर जनपद एवं महानगर इकाई द्वारा आयोजित इस आपातकाल संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करने पहुंचे भारत सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री, राज्यसभा के लोकप्रिय सांसद, हम सभी के अभिभावक आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करने में मंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री जिन्हें नेतृत्व द्वारा गोरखपुर जनपद और महानगर में प्रवासी के रूप में इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण से लगाया गया है, ऐसे श्री मयंक चंद्रशेखर त्रिपाठी जी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जनपद के जिला उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और पूर्व में गोरखपुर जनपद के जिन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के निर्देश कार्यकाल में मुझे भी उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, ऐसे श्री मनोज शुक्ला जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने गोरखपुर महानगर के यशस्वी अध्यक्ष श्री सत्यार्थ मिश्रा जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत के क्रम में मैं आप सभी गोरखपुर जनपद महानगर
इकाई के सभी जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज 25 जून को जो इमरजेंसी लगी थी, 25-26 जून का जो अध्याय था, काला अध्याय भारत के इतिहास में, वो दिन बहुत ही आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन करने वाला दिन था और वो एक ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने का कुंडित प्रयास किया गया था कि जो आप सभी हम जब सब उसकी कहानी सुनते हैं, उसके बारे में जब सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर दिल को बहला देने वाली घटना नजर आती है। और हमारे मुख्य अतिथि उस इमरजेंसी काल से भी दौर से गुजरे हुए हैं और हमारे तमाम जो राष्ट्रीय नेता है उनकी जो गिरफ्तारियां हुई थी, जो विपक्ष पे जो है एक तानाशाही सिकंजा कसा गया था, लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया गया था, उसी को आज काला दिवस के रूप में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पे मनाने का कार्य कर रहे हैं। एक संगोष्ठी के माध्यम से इन सब चीजों को या जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो लोकतंत्र को जिंदा रखने की, जो लोकतंत्र की बातों को समान नागरिक संहिता सुरक्षित रखने के लिए सबको अधिकार देने की बात जो की जा रही है, वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी भारत देश को का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम आज ये कहना चाहते हैं कि हम सभी ऐसा भाग्यशाली है जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं सभी अपने मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करते हुए, देखिए ये भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को तय किया है, लोगों को जो विस्मृतियां हैं उस विस्मृतियों से उबार कर करके जो अच्छे काम हुए वो भी और जो खराब काम हुए वो भी, उस सबको अवगत कराना। तो आज का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस शासित श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे या देश था, तो उस समय उन्होंने न्यायपालिका को भी दरकिनार करके न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि उनका चुनाव अवैध है, लेकिन जबरदस्ती अपने को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करके देश में आपातकाल लगाया था, लोगों को गिरफ्तार किया था, वहाँ पर नशबंदी तक का एक कई सूत्री का कार्यक्रम जो उनका था उसमें करा दिया था, ऐसे लोगों का भी नशबंदी हो गया जो शादीशुदा नहीं थे, लोगों के पूरी तौर पर मकान तक गिराए गए, प्रेस की आज़ादी ख़त्म की गई, प्रेस की बिजली काट दी गई, तो उस सब को याद दिलाने के लिए जनता युवा मोर्चा ने जो यह कार्यक्रम रखा है आपातकाल के विरोध में, जो इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, मैं आज उसी कार्यक्रम में जनता युवा मोर्चा द्वारा आहूत एक अतिथि के नाते हूँ और उसमें मुझे लगता है कि देश में आपातकाल जैसा काला दिवस और कुछ नहीं है। लोकतंत्र इस देश का आधार है और श्रीमती गांधी ने उसी लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था, तो हम सब लोग उसी के विरोध में आज इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक मन कबीर का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक एक साथ 7 भाषा में प्रकाशित हुई है, जिसके संबंध में इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि कविता भीतर से बदलने का काम करती है। देवेंद्र आर्य की गजलें हमें भीतर से बदलने के लिए विवश ही नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर इस प्रक्रिया की शुरुआत कर देती हैं। कबीर मन को ही बदलना चाहते हैं, कविता का काम मन को बदलना ही होता है। कविता ने कैसे मनुष्य को बदला, उसकी पूरी फहरिस्त बनाया जा सकता है। एक कविता और एक छोटे नाटक ने कैसे गांधी पैदा किया, यह देखा जा सकता है। गीता में भगवान ने नहीं कुछ बोला है, बल्कि रचनाकार ने बोला है और हर बार रचनाकार ही बोलता है, तो इस रूप में रचनाकार का काम और दायित्व और काम दोनों बड़ा होता है, जिसे देवेंद्र आर्य बखूबी कर रहे हैं। इस अवसर पर कवि श्रीधर मिश्र, जयचंद्र भूषण अंकुर, आलोचक और चिंतक डॉक्टर अलख निरंजन, आलोचक कपिल देव
देव द्विवेदी, सुभाष चौधरी, जगदीश लाल श्रीवास्तव, रविंद्र मोहन त्रिपाठी, अशोक चौधरी, कवि विनय अजीज, संजय आर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय कुमार ने कहा, मैं अपने भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि अब हम लोग लोकार्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई पुस्तक साफ खाता में एक साथ प्रकाशित हो गया है, ये हो गया और इस शहर में एक और कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विनय कुमार, बड़े आनंद का विषय है। मैं मन कबीर, जो देवेंद्रनाथ जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं नगर के क्या देश के, और इनकी गज़लों की ये किताब जो आई है एक साथ 14 भाषाओं में, इसका लोकार्पण करते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर में पहली बार आया हूँ और यहाँ का जो कार्यक्रम देख रहा हूँ, लोगों का जो लगाव देख रहा हूँ, साहित्य के प्रति अनुराग देख रहा हूँ, मन सचमुच बहुत प्रसन्न हुआ है। देवेंद्र राय की जो किताब है, इसके बारे में एक ही बात कहूँगा कि एक इनकी जो चेतना है, इनका जो मन है, वो करघे की तरह लगातार काम करता है और जीना 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 लेखन बुना जाता है लगातार। और गज़लें ये बहुत पहले से लिखते रहे हैं, कविताओं की भी किताबें इनकी आई हैं। ये सचमुच कमाल है कि एक साथ 14 भाषाओं में, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, कई भाषाओं में, 14 भाषाओं में एक साथ किताब आई है। तो इसके लिए देवेंद्र राज जी को बधाई, और गोरखपुर शहर को देवेंद्र राज पे गर्व होगा ही, मुझे तो बहुत गर्व है इस बात के लिए। लोगों को इस किताब से जो प्रेरणा मिलेगी, वो मैं ये बात कहूँगा कि आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि असल में कविता प्रेरणा देगी, ये ऐसा कर देगी। कविता नीति कथा नहीं होती है, कविता जब भी पाठक के सामने से गुजरती है तो उससे बातचीत करती है और पाठक के भीतर से कुछ चीज़ें अपने आप निकलनी शुरू होती है। कविता पूरी तब होती है जब पाठक पढ़ता है, कवि जो बात करता है, पाठक जो पढ़ता है, दोनों मिलकर कविता पूरी करते हैं। तो ये किताब ऐसी ही है कि आप इसे गुजरेंगे तो आप कई कोमल अनुभवों से गुजरेंगे, कई बदलाव समाज में कैसे कैसे कर सकते हैं उसकी चेतना से गुजरेंगे, और सच बोलने के साहस की ताकत से गुजरेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी इस किताब से गुजरने से। ये किताब बेसिकली संवाद करती है सबसे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजमगढ़ व रामपुर के उपचुनाव में हुई जीत के बाद भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़कर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में लागू प्रदेश सरकार की योजनाओं पर जागरूकता के विषय पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश की अध्यक्षता में कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, शासन द्वारा चल रही योजनाओं का कराया जाए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार ताकि लोगों को मिल सके आसानी से योजनाओं का लाभ। चाकू से मारकर हत्या करने वाले एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। उपचुनाव में दोनों सीट भाजपा प्रत्याशी के द्वारा जीतने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आजमगढ़ व रामपुर की जनता की है यह जीत, सभी कार्यकर्ताओं सहित शीर्ष नेतृत्व को दी बधाई। दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त शिव शंकर सोनी को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
युवा मोर्चा महानगर व जिला इकाई की संयुक्त बैठक राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा 25 जून को भाजपा मना रही है काला दिवस, देश में जबरदस्ती लगाया गया था आपातकाल। और देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक मन कबीर का हुआ लोकार्पण। कहा यह पुस्तक लोगों के मन को बदलने का करेगी काम। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।